स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सर। आज का हमारा सब्जेक्ट है ड्राइंग। आज हम करेंगे ड्राइंग। तो आज ड्राइंग में हम क्या करेंगे, तो ये जो एक पिक्चर है जो यहाँ पे हमें दिया है, पिक्चर में एक टेंपल है, ट्री है, सन है, एक छोटा सा लेक है और उसमें फीस भी है ना। तो एज इज इज सेम पिक्चर हमें यहाँ पे दिया है। ओके, पिक्चर्स कॉम्पोजिशन। तो इस पिक्चर को कैसे दिया है, तो हमें डॉट डॉट जैसे वाले आते हैं ना, वैसे ये लाइन में हमें ये दिया है। तो पहले तो हम क्या करना है, पहले तो इसको हमें इस सभी लाइन को जोड़ना है। ओके, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं सन से। तो पहले हम क्या करेंगे, इस सभी लाइनों को हम जोड़ लेंगे। ओके, तो इस लाइन को चलो हम जोड़ लेते हैं। ओके, ये हमने जोड़ लिया। फिर अब ये ट्रैम्पल की बारी। अब हम यहाँ पे इसको जोड़ लेते हैं। ओके, यहाँ पे आप स्केल का भी यूज़ कर सकते हो, जो स्ट्रेट लाइन आती है वहाँ पे। ओके, तो आप क्या करोगे, वीडियो को पोज करके ये पूरा आप वीडियो को पोज कर दो और फिर ये पूरा पिक्चर आप खुद से कंप्लीट कर लो। ओके, तो ये हमने कर लिया पूरा कंप्लीट पिक्चर, बन गया ना, फिश, टेंपल, ट्री और सन। ओके, तो अब हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पे अब कलर फिल करना है। तो अब हमें कौन सा कलर का यूज़ करना है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पेंसिल कलर या पेस्टल कलर का हमें यूज़ करना है। ओके, तो आपको आपके पास जो भी है पेंसिल या पेस्टल कलर में से, उनमें से कोई भी कलर का आप यूज़ करके यहाँ पे जो दिया है एज इट इज़ वैसे ही सेम कलर करना है। ओके, जैसे कि ट्री का कलर कौन सा होता है, यस ग्रीन। फिर फिश का तो आप कोई भी कर सकते हो। सन का कलर येलो होता है। ये जो स्काई मतलब व्यू होता है वो स्काई कलर का होता है, लाइट स्काई कलर का। फिर ये जो ग्रास होते हैं नीचे वो लाइट ग्रीन, कहीं पे डार्क वाले होते हैं। ओके, फिर टेंपल में भी आप यहाँ पे जो दिया है वही कलर करना है। ओके, फिश का सिर्फ आपको जो भी कलर के आपको फिश पसंद है उसका कलर आप कर सकते हो। फिर वाटर का कलर कौन सा होता है, ये जैसे आप देख रहे हो ना लाइट स्काई कलर का होता है, तो इसमें भी आप ऐसे कलर कर सकते हो। ओके, तो ये हमने किया पेज नंबर 28 वाला पिक्चर कंप्लीट। ओके, ये हमने कंप्लीट कर लिया। फिर पिक्चर मैंने जैसे बताया कलर आपको वैसे करना है। फिर अब हम देखेंगे उसके सामने वाले पेज 29। तो वैसे ही सेम हमें यहाँ पे पिक्चर दिया है, मतलब पिक्चर अलग है लेकिन सेम, मतलब यहाँ पे भी हमें डॉट वाला दिया है, उसको हमें जॉइंट करना है। फिर हमें यहाँ पे कलर फिल करना है। ओके, मतलब दोनों पेज में 28 और 29 में सेम है। तो यहाँ पे हमें पहाड़ है, फिर सन, ट्री, फिर एक बड़ी सी फिश है ना, तो ये भी आपको सेम एज इट इज़ आपको ये जॉइंट करना है। वहाँ पे थोड़ी बड़ी बड़ी सी लाइन थी ना, यहाँ पे थोड़ी सी छोटी है उससे, तो इसको केयरफुली हमें जॉइंट करना है। और पेंसिल को कैसे चलानी है, यस लाइट पेंसिल चलानी है, क्योंकि डार्क हम पेंसिल चलाएंगे तो अगर हमसे कुछ गलती हो गई तो हम रफ़ करेंगे तो उसका जो जो डार्क होता है ना वो दिखाई देता है, इसलिए हम पहले से पेंसिल को लाइटली चलाएंगे। ओके, तो ये हमने कर लिया कंप्लीट। अभी बाकी है थोड़ा सा, बट ये वाला कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे ट्री। ओके, तो अब हम ट्री करेंगे। तो ये देखो मेरे से भी गलती हो गई, मैंने मेरी लाइन थोड़ी सी क्रॉस में चली गई। ओके, कोई बात नहीं, बाद में रफ कर दूँगी, लेकिन आप बहुत ही ध्यान से केयरफुली आप ये करना। ओके, अगर आपसे टाइम लगे ज़्यादा तो कोई बात नहीं, आपको आराम से करना है ये वाला। और हाँ, ये जो दोनों पिक्चर है, इन दोनों पिक्चर में से कोई भी एक पिक्चर आपके एग्ज़ाम में आने वाला है, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि डॉट को हाँ अच्छे से
ज्वाइंट कर दे, ओके। तो आपकी जो एग्ज़ाम होगी उसमें इन दोनों में से कोई भी एक पिक्चर आने वाला है, तो आपको इसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ओके। तो ये मैंने अभी आधा किया, तो अब हम कर लेते हैं पूरा, ओके। तो ये मैंने कर लिया पूरा कंप्लीट। अभी आपको यहाँ पे क्या करना है, यस, अभी आपको यहाँ पे कलर फिल करना है, और कौन से कलर का यूज़ करना है यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ओके। तो फिर आपको एज इट इज़ ये वाला जो कलर है वही आपको कलर करना है, ओके। तो यहाँ पे पेज नंबर 28 और 29 पिक्चर जो है, पिक्चर कंपोजिशन, वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो इन दोनों पिक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है, कलर फिल करने की आपको प्रैक्टिस करनी है कि आपको अच्छे से कलर फिल करना है, ओके। हर बार की तरह मैं अभी भी आपको बता रही हूँ कि कलर फिल आपको कैसे करना है, कि अगर पिक्चर को हम कलर फिल करना स्टार्ट करते हैं तो पहले बॉर्डर हमें बना लेनी है। बॉर्डर को ऐसे ऐसे हम बना लेंगे, ओके, जो भी पिक्चर हो उसकी हम ऐसे ऐसे बॉर्डर बना लेंगे, फिर अच्छे से हम अंदर ऐसे कलर कर देंगे ताकि कलर बाहर ना जाए, ओके। पहले तो हमें सभी की ऐसे बॉर्डर बना लेनी है, ओके। तो आपका जो कलर होगा वो अच्छे से होगा और कलर बाहर भी नहीं जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पिक्चर कंप्लीट हो गया है। तो इन दोनों पिक्चर की आपको प्रैक्टिस करनी है, खास करके तो आपको कलर फिल करने की प्रैक्टिस करनी है, ताकि आपका पिक्चर बहुत ही अच्छे से दिखे, ताकि जो बाहर कलर है वो बाहर ना जाए, ओके। तो यहाँ पे ख़त्म होता है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे और कुछ न्यू ड्राइंग, तब तक आपको ये प्रैक्टिस करनी है।